अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ये स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 एक्सरसाइज प्री नाइन्थ क्लास, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपके पास है इंडेक्स में जो नंबर, जिस तरह ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की जगह पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में नंबर 3 है। जब हम सॉल्व करते हैं तो इंडेक्स जो है उसको हम एक्सपोनेंट बना देते हैं। जब एक्सपोनेंट बनाते हैं इंडेक्स में, जो भी नंबर आपको दिया होता है वो 1 के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे इंडेक्स 3 है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है -125 रेज टू पावर 1/3। तो ये एक्सपोनेंट में आ गया इंडेक्स। ठीक है, 125 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 125 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 25 आता है, फिर 5 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 5। तो 125 को हम क्या ले सकते हैं, 125 को हम ले सकते हैं -5 × -5 × -5। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें 5 × 5 × 5 तो दोबारा 125 आ जाता है, 1/3 एज इट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी पावर्स को अगर ऐड करें तो आता है -5 × 3 और होल पावर 1/3 एज इट लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे। ये 3 एज 3 से कैंसिल हो जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -5। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नोट करना है अपने रजिस्टर पर। अगर मैंने क्लास में ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया था, जिन बच्चों ने कर लिया था या मैंने होमवर्क दिया था, तो वो दोबारा से ना करें, लेकिन वो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, रजिस्टर पे ना करें, प्रैक्टिस कर लें रफ पे। और जिन बच्चों ने रजिस्टर पे नोट नहीं किया मैथ्स के, तो वो दोबारा से नोट करें। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32 और इंडेक्स में 4 है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 32 एज इट आ जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, इंडेक्स वाला 4 जो है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/4। 32 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, 16 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 8 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 रेज टू पावर 1/4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 नंबर इकट्ठे मिला लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। जब इन दोनों चारों 2 को इकट्ठे मिलाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 × 2 × 1/4। अब देखिए 1, 2, 3, 4 मैंने जो 2 थे उनको इकट्ठे कर लिया ताकि 1/4 से कैंसिल किया जा सके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 × 1/4। ये पावर 4 जो है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1/4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 1/4। तो ये इंडेक्स में जो 4 है 1/4 एक्सपोनेंट में, तो मैं इसको दोबारा इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2, जिस तरह ये वाला नंबर था मैंने इसको इंडेक्स से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था, इसको एक्सपोनेंट से अगर इंडेक्स में कन्वर्ट करूँ तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से मैं 2 × 1/4 को एक्सपोनेंट फॉर्म से अगर इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 1/4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, और 2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं सॉल्व करूँ, थर्ड क्वेश्चन है, तो ये इंडेक्स में 5 है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 3 × 32 × 1/5। 32 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 पे डिवाइड करें तो 16, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 8, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 4, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 3 × 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरीके से 1/5 आ जाएगा। तो हम